मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो मेरा वीडियो देखें। मैंने अब तक लगभग सभी रोगों के लक्षण अनुरूप उपचार वाली वीडियो बना रखी है। यदि आपको परामर्श लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आएं। मैं आपको होम्योपैथी की दवा आइडोफार्मम के सिम्टम्स और यूजेस बताने जा रहा हूँ। यह दवा क्षयग्रस्त मस्तिष्क आवरण प्रदाह के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, खिलाने के लिए भी और सिर में लगाने के लिए भी। छड़ायु पुटिका अवस्थाएं इससे शीघ्र ही ठीक होती हैं। इस दवा के प्रयोग से बच्चों का जीर्ण और अर्धजीर्ण अतिसार दूर हो जाता है। प्रयोग के लिए लक्षण: सिर में तीव्र स्नायविक पीड़ा हो, सिर भारी लगे, मानो तकिए से उठाया न जाएगा, पिछले भाग में खुजली होती हो, मस्तिष्क आवरण प्रदाह होता हो, आहें भरने और चिल्लाने से नींद में बाधा पड़ती हो, अति निद्रालुता रोगी में हो, आँख की पुतलियाँ फैली हुई हो, असमान सिकुड़न हो, प्रदाह की संवेदनीयता मंद हो, द्विदृष्टि के लक्षण होते हों, आँखों के पिछले भाग में स्नायु प्रदाह के कारण क्रमशः मंद होती हुई दृष्टि, आँखों के मध्य भाग से सामने काले लोप हो जाने और धब्बे होते हों, चक्षु बिंदु की आंशिक क्षीणता रोगी में महसूस होती हो, दाहिने फुफ्फुस यानी सीना के शिखर पर दर्द होती हो, सीने पर बोझ जैसा मानो दम घुटने जैसा अनुभव होता हो, सो जाने के समय खांसी और साएं साएं की आवाज़ आती हो, बाईं तरफ सीने में दर्द होता हो, मानो कोई हाथ से दिल के निचले भाग को जकड़े हुए हो, मुंह से खून आना, दम्मा जैसा सांस लेना इसके मुख्य लक्षण हैं। नौकाकृति उदर रोग में यह बहुत लाभदायक है। जीर्ण अतिसार साथ में क्षय रोग की शंका, उदर तना हुआ, मध्यांत्र ग्रंथि बढ़ी हुई, शिशु अतिसार, जीर्ण अतिसार, चिड़चिड़ापन के साथ हरा पानी का अनपचा मल निकलता हो, टांगों में कमजोरी होती हो, आँखों के बंद करने पर खड़ा होकर चल ना सकने की अनुभूति हो, ऊपर चलते समय घुटनों में कमजोरी आए, तो यह दवा अमृत के समान है। इस दवा की शक्ति दो बिचूंड अत्यधिक प्रयोग में लाई जाती है। धन्यवाद।